नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में तस्कर चढ़ा पुलिस के हत्थे, 1 लाख से अधिक की स्मैक बरामद। हल्द्वानी में एक स्मैक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। स्मैक तस्कर से 10.45 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इस स्मैक की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। करण महारा ने हर की पैड़ी पर पूजा की अर्चना, कार्यकर्ताओं ने काटा केक। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता AICC की पूर्व राष्ट्राध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन मना रहे हैं। उत्तराखंड में धूमधाम से सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दून अस्पताल में फल वितरण किए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की। किच्छा में SDM ने चलाया छापेमारी अभियान, 3 क्लिनिक को किया सीज। उद्धम सिंह नगर के किच्छा में 3 क्लिनिकों में अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की गई। SDM ने 3 क्लिनिक को सीज कर दिया। इस कार्रवाई से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा रहा। काशीपुर में नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से मिला 10 किलो से ज्यादा गांजा। काशीपुर पुलिस ने कुंडा थाने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोका, जिसके पास से एक कट्टे में 10 किलो 150 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिथौरागढ़ बेड़ा गाँव में मजदूर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पिथौरागढ़ पुलिस ने राजस्व गांव में बेड़ा में हुई हत्या मामला का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के बाद नेपाल फरार हो गए थे। IMA POP देश को मिलेंगे 314 नए सैन्य अधिकारी, 11 मित्र देशों के 30 कैडेट्स भी होंगे पास आउट। कल देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड होगी। पासिंग आउट परेड के बाद देश को 314 नए सैन्य अफसर मिलेंगे। कल होने वाली पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के कुल 30 कैडेट्स भी पास आउट होंगे। भाजपा सरकार में बोर्ड और बातों तक सिमटा संस्कृत का विकास, नौकरशाहों ने भी किया परहेज। उत्तराखंड में संस्कृत के विकास के लिए संस्कृति अकादमी गठित की गई थी, जिसके कार्यकाल 1 साल से बैठक तक नहीं हुई है। भाजपा सरकार में संस्कृत का विकास बोर्ड और बातों तक सीमित दिखता है। नौकरशाही भी द्वितीय भाषा से परहेज कर रहे हैं। खुद राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधु की नेम प्लेट से संस्कृत शब्दों को हटा दिया गया है। उद्यान निदेशालय के औचक निरीक्षण में अधिकारी मिले नदारद, मंत्री बोले वेतन काटो। आज कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान निदेशालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग में सीनियर हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर अरुण पांडे गैर हाजिर मिले। अधिकारी के इस रवैये से नाराज मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। ट्रेनी IAS अफसरों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया गुरु मंत्र, कहा कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची। राष्ट्रपति ने अकादमी के 97वें फाउंडेशन कोर्स के 455 प्रशिक्षु अधिकारी को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू का सिद्धांत लेते हुए IAS अधिकारी आगे बढ़ेंगे। देहरादून IMA में कल होगी पासिंग आउट परेड, 1 दिन पहले बड़ा बदलाव। देहरादून IMA का इतिहास काफी गौरवशाली है। भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार 10 दिसंबर को पासिंग आउट परेड होनी है। इस परेड से 1 दिन पहले मुख्य अतिथि में बदलाव हुआ है। IMA में प्रशासन के मुताबिक अब POP के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी, AVSM, VSM, GOC, NC मध्य कमान होंगे। दून स्मार्ट सिटी के कारण से फैली गंदगी पर न पड़े राष्ट्रपति की नजर, प्रशासन ने तानी हरी चादर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। राष्ट्रपति के दौरे के चलते देहरादून में कई जगहों पर गंदगी को पर्दे से ढक दिया गया है, जो स्मार्ट सिटी के कार्य की तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। रामनगर में सड़क हादसे में पैरा कमांडो की मौत, स्कूल बस ने बाइक में मारी टक्कर। रामनगर में आज सुबह एक सड़क हादसे में पैरा कमांडो फौजी की मौत हो गई। स्कूल बस ने फौजी की बाइक में टक्कर मार दी। हिमांशु मेहरा नाम के फौजी को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फौजी परिवार के विवाह समारोह में शामिल होने आया था। उत्तराखंड में एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे कोरोना और डेंगू के मामले, रहिए सतर्क। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के साथ ही डेंगू के मामले भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश भर में 9 नए डेंगू संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं देहरादून में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में 30 नए कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। देहरादून NDPS कोर्ट ने 2 चरस तस्करों को सुनाई 10 साल की कठोर सजा। NDPS स्पेशल कोर्ट ने 2 चरस तस्करों को ड्रग्स मामले में दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर दोनों ही मुजरिमों को 1-1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में किया रुद्राभिषेक, नक्षत्र वाटिका का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन स्थित राज्य प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। साथ ही राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का भी उद्घाटन किया।
यहाँ नशा छोड़ने पर पिलाया जा रहा दूध, युवा लाइन में लक्कर ले रहे संकल्प। रामनगर में बढ़ते नशे के खिलाफ को देखते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने नशा छोड़ो दूध पियो नारे के साथ अपना अभियान शुरू कर दिया। वहीं अभियान में बड़ी संख्या में लोगों को दूध पिलाकर नशा छोड़ने का संकल्प भी दिलाया गया। भाजपा प्रवक्ता के नाम पर महिला से ठगी हजारों रुपए, पुलिस के उड़े होश। भाजपा प्रवक्ता देवेंद्र भसीन के नाम से साइबर ठगों ने एक महिला से हजारों रुपए की ठगी कर डाली। महिला के पति के तहरे पर पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। देवप्रयाग पुल बंद होने से बड़ी लोगों की परेशानी, डीएम से कहा रास्ता निकाले। देवप्रयाग पुल को जिला प्रशासन ने आवाजाही के लिए बंद कर दिया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में देवप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष के नेतृत्व के एक शिष्टमंडल ने डीएम से मुलाकात की, साथ ही पुल पर जल्द आवाजाही शुरू करने की मांग की। पति की तीसरी शादी के खिलाफ दो महिलाएं पहुंची थाने, जमकर किया हंगामा। कोटद्वार कोतवाली में आज जमकर हंगामा हुआ। दो महिलाओं ने यहां पहुंचकर हंगामा किया। दोनों महिलाओं ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। काशीपुर और खटीमा पहुंचे भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट, गिनाई सरकार और संगठन की उपलब्धियां। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट आज काशीपुर और खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। भगवानपुर में दिन दहाड़े लूट की वारदात, कंपनी के कर्मचारी को चाकू से मार, लूटी रकम। भगवानपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर लाखों की रकम लूट ली और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हेल्थ सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।